मंगलौर और देहात के इलाकों में फसलें आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई है, उसको लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह के निर्देश पर तहसीलदार दयाराम के द्वारा क्षेत्र में लेखपालों और गांव-गांव जाकर फसलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। सभी लेखपाल अपने क्षेत्रों में जाकर आपदा से नष्ट हुई धान गन्ना आदि की फसलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे। वहीं इस मामले में तहसीलदार दयानंद ने कहा कि शासन ने आपदा में क्षतिग्रस्त किसानों की फसलों का मुआयना करने के लिए अधिकारियों को भेजा है। जल्द ही मुआवजे का प्रावधान किया जाएगा जिसमें कम से कम 2000 सहायता राशि दी जाएगी। सभी तहसीलदार के लेखपालों को निर्देशित किया है कि वे 15 दिन में आपदा में क्षतिग्रस्त फसलों की रिपोर्ट दें। फसल क्षति का मुआवजा देने का प्रावधान है सरकार की ओर से। कुछ सब्सिडीज में सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की होती है। वो आपदा से पहले ही CRF गाइडलाइन आ जाती है। जो आपदा से अतिवर्षा से फसल क्षतिग्रस्त हुई है, जो मानक हैं सरकार ने शासनादेश जारी किया है उसके अनुसार पर हेक्टेयर जो भी है जितना जिसका क्षेत्रफल होगा वो दिया जाएगा और मिनिमम 2000 रुपये है। यदि किसी की सहायता राशि 2000 रुपये से कम होगी तो उसको मिनिमम 2000 रुपये दिया जाएगा।